आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेट। अच्छा, कस्टम फॉर्मेट हमने पढ़ा या नॉर्मल फॉर्मेट हमने पढ़ा, तो उसमें क्या था कि आपने लिया और अपनी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दिया। अब इसको इससे कतई लेना देना नहीं है कि हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, किस तरह का डेटा है वगैरह वगैरह, राइट। हमने लिया राइट और कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया या कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, लेकिन राइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें बताता है कि एक कंडीशन पे अगर ऐसा हो तो ऐसा फॉर्मेट करे, ऐसा ना हो तो ऐसा फॉर्मेट ना करे। और याद रखिएगा, जस्ट फॉर्मेटिंग करता है, आपके डेटा में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर एक काम कीजिए, इसमें अगर ऐसा डेटा है तो ये चिप बदल जाए, तो बदलने वाला काम नहीं होता है सर, क्योंकि वो जस्ट फॉर्मेट करता है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा अपना एरिया, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें हम बात करते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स की। हम चाहते हैं कि जी कॉलम के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो कौन सा कंडीशन, तो यहाँ से बहुत सारे कंडीशन है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन अगर मान लीजिए कि इसमें से अगर 50, या मान लीजिए कि इसमें से मान लीजिए 15 से, 15 से जो भी बड़ा है, देख सकते हैं वो हाईलाइट हो गया। तो ये ठीक हाईलाइट जो हुआ एक डिफॉल्ट कलर से हुआ, जो कि यहां से आप चूज कर सकते हो कि भाई येलो हो जाए या ग्रीन हो जाए। इसमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है, या फिर जरूरत, पसंद छोड़िए जरूरत, इसके आपके आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग ए नहीं है, तो आप कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे जहां पे आपको फॉर्मेट सेल मिल जाएंगे, जहां आप नंबर की फॉर्मेटिंग, बॉड फॉन्ट, बॉर्डर, फिल सब कर सकते हैं, ठीक है। है तो मैंने येलो कलर ले लिया, देन ओके एंड ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका कलर हो गया। और जस्ट कलर ही नहीं हुआ है, एक कलर को मेंटेन भी कर रहा है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर मैं 50 करके एंटर मारता हूँ तो हाईलाइट हो गया, और अगर मैं ओके 19 को 9 किया चेंज हो गया, तो चेंज हो गया ये मेंटेन भी ठीक है। करता है। तो क्या-क्या इसमें है, तो ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू। अब यहाँ जो आपने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन दो चीजें देखा, तो इसमें आप जो है डेट, टाइम और नंबर डाल सकते हैं, टेक्स्ट नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिटवीन पूजा एंड ओम, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, या अच्छा ग्रेटर देन पूजा। तो डेट कैसे ठीक डालेंगे, जैसे है मान लीजिए कि जून का है, मैं चाहता हूं कि दो दो जून के बाद की डेट हाईलाइट हो जाए, तो यहां पे मैंने ग्रेटर देन 2/जून लिखा, ठीक 2022, ठीक है, तो है ये हाईलाइट कर, या मैं दो की जगह पे एक कर दूं, तो अब देखिए हाईलाइट हो गया है 2 जून। तो इस तरह की डेट सब डाल सकते हैं। मुझे एक और दो को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट्स में हम जाते हैं, हम बिटवीन लेते हैं, बिटवीन में यहाँ हम 1 जून और यहाँ पे हम मान लीजिए कि 2 जून कर देते हैं, या 3 जून कर देते हैं, 4 जून कर देते हैं, जितना डालना है डाल सकते हैं आप। और कलर चेंज करने की जो फैसिलिटी है उस सब में वही है जो यहाँ, ठीक है सर। ठीक है सर। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन को जाना, इसमें कोई डाउट है। नहीं अब आता है इक्वल टू, इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं चाहता हूं कि 8 को हाईलाइट करना है, तो यहां गया इक्वल टू पे गए, 8 को सेलेक्ट कर लिया, जितने भी 8 है वो हाईलाइट हो गए। या फिर हम कस्टमर पे गए और यहाँ इक्वल टू में हमने पूजा को सेलेक्ट कर लिया, अब जहां जहां पूजा है वो सारे हाईलाइट हो गए, ठीक है। या एक क्या पर्टिकुलर डेट पे गए और इक्वल टू में गए, इक्वल टू, और हमने बोला 1 जून, 1 जून हाईलाइट हो गया।
तो एग्जैक्ट सेल वैल्यू, राइट। ठीक उसके बाद यहां आता है टैक्स दैट कंटेन। अब एग्जैक्ट से जो इक्वल टू में क्या हुआ, एग्जैक्ट सेल वैल्यू होना चाहिए टैक्स कंटेन। जैसे मैं यहां पे क्या है कि कहीं पे सी 3D CL है और 3D में, 3D में आपको CPL है, मान लीजिए ये आपका CPL है। तो अब हमें पता है कि 3D तो होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ होगा। अब XC यहाँ पे XC है या XC500 भी हो सकता है कहीं पे, लेकिन XC होगा ही होगा। तो उस केस में हम यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेन करते हैं कि भाई 3D को हाईलाइट कर दो, जहां जहां 3D है, चाहे CL के साथ हो या CPL के साथ 3D होना चाहिए, अच्छा ठीक है। ठीक अब है मुझे मान लीजिए XC है, जेड एक्स जेड है, मैं 500 को हाईलाइट करना है, तो 500 हाईलाइट हो गया। मतलब जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में जो वर्ड यहाँ आप टेक्स्ट दैट कंटेंट में लिखते हैं वो टेक्स्ट के स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, बीच में हो या अकेले हो, वो उसको हाईलाइट कर देगा, करेगा ठीक ठीक है। ठीक ठीक तो ये हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन करता है, राइट। अब ठीक फिर है बात आती है डेट ऑफरिंग। ऐसे मान लीजिए इसमें अगर आज का डेट हाईलाइट करूं, आज का डेट अगर हाईलाइट करूं तो क्या होगा, आज हाईलाइट आज का करेगा। डेट, हम क्या आज करेंगे, वाला हमें हाईलाइट आज का करना है डेट ना, हाईलाइट करना है, तो इक्वल तो टू कर देंगे कंडीशन यहां से, इक्वल टू फॉर्मेटिंग या इक्वल टू और इक्वल आज टू का आज डेट डाल देंगे। आज का वाला डेट डेट, मान आज लीजिए वाले 26/10 है, तो 26/10 डाल डेट। दिया। प्रॉब्लम है कि फिर 26/10 हमेशा फिक्स रहेगा ना सर, हाँ हमेशा फिक्स रहेगा। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल रेगुलर, मतलब जब चाहिए होगा, जब भी फाइल ओपन करूंगा तो चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफरिंग है। डेट एक्रिंग क्या करता है कि सिलेक्टेड में से जैसे स्टर्डे सेलेक्ट कर लिया या टुडे सेलेक्ट कर लिया, तो आज का जो सिस्टम डेट होगा उस सिस्टम डेट को हाईलाइट कर देगा। ओके आज का भी ओके डेट ही नहीं जो हाईलाइट कर सकते, नहीं करेगा हाईलाइट। आज की जो डेट अगर इस कॉलम में होगी तो हाईलाइट कर देगा, अगर नहीं होगी तो नहीं हाईलाइट करेगा, ठीक है सर। ठीक है ठीक है और इस सिस्टम डेट चेंज होता रहेगा, जैसे आज अगर 26 तारीख हाईलाइटेड है तो कल 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। तो क्या क्या है, स्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, ये पूरा यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक ठीक है। उसके है बाद आता सर है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे आपको लगता है कि सिलेक्टेड एरिया में कोई नंबर मोर देन वन टाइम रिपीटेड है तो आप डुप्लीकेट से हाईलाइट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ जैसे कोई मोबाइल नंबर डबल टाइम लिखे हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ हम जाते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में आते ठीक हैं और यहाँ पे ओके कर दिए। अब देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर ऊपर लिखा और जैसे ही नीचे लिखेंगे दोनों हाईलाइट हो गया। ओके अगर हम तीन ओके बार लिखेंगे तो तीनों हाईलाइट हो तीनों जाएंगे, हाईलाइट ठीक है ठीक है। ये ठीक चीज है है डुप्लीकेट। तो अभी आपने सीखा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इक्वल टेक्स्ट टू दैट कंटेन, टेक्स्ट डेट ऑफरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, डेटा करें ग्रेटर डुप्लीकेट। देन, लेस देन, बिटवीन नंबर्स को हाईलाइट करता है और डेट हाँ को, जी हाँ मतलब किसी नंबर से बड़ा, किसी नंबर से छोटा, दो नंबर की बीच की, इक्वल टू, हर तरह के टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। टेक्स्ट दैट कंटेन जी जो है एक कंटेन करता है, मतलब कि पूरा टेक्स्ट ना हो कि मिलता जुलता हो, ऐसे किस्म का वर्डिंग हाँ यूज करते हैं। बिल्कुल डेट सिमिलर ऑफरिंग सिमिलर सिस्टम वैल्यूज में डेट से उठाता कनेक्ट होके हाईलाइट करता है, सिस्टम डेट जी से कनेक्ट होके हाईलाइट करता है। और डुप्लीकेट जी डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्टेड एरिया में कोई अगर डुप्लीकेट है उसको हाईलाइट होगा करता है।